सब्सक्राइब करें उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम 9वीं जमात तारीख के 5वें सबक तालीमी पेशरफ्त यानी एजुकेशनल डेवलपमेंट इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की या सवालत जवाब की किताब में निशानदेही करेंगे और जवाब को समझेंगे। तो आइए मश की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहला है ज़ैल में से मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयान मुकम्मल कीजिए। पहला, परम 8000 नामी सुपर कंप्यूटर बनाने वाले साइंसदा डैश है, तो जवाब है डॉक्टर विजय भटकर। दूसरा है महानामा जीवन शिक्षण डैश अदारे के जरिए शाये किया जाता है, जवाब है उसका महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल। तीसरा है IIT मंदरजा ज़ैल शुबे में तालीम देने के लिए मशहूर है, जवाब है इंजीनियरिंग। दूसरा है दी हुई हिदायत के मुताबिक सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। तो पहला है तालीमी शुबे में मंदरजा ज़ैल अशख़ाश और इनके कारहाए नुमाया से मुतालिक जदूल मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पे कुछ लोगों के नाम और उनके काम जो है वो हमें बताना है, तो कुछ दिए हैं कुछ नहीं दिए, तो हमें खाली जगह भरना है। पहला है भारत के पहले वजीर तालीम, तो जवाब है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दूसरे में दिया है जामियाती तालीमी कमीशन के सदर, तो जवाब है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद है प्रोफेसर सैयद रऊफ, तो इनके जो कारहाए नुमाया है इसके अंदर ये लिखेंगे, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए 1ली से 7वीं जमात के मुश्तरका निसाब का मसौदा तैयार किया। और उसके बाद है कोसबाड़ मनसूबा, तो इसका जवाब है अनुताई वाघ। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है इंटरनेट की मदद से नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के बारे में मालूमात देने वाली जदूल बनाइए। तो ये इंटरनेट से करना है आपको, तो ये आप NCERT सर्च कर लेंगे वहाँ पे, या फिर किताब की मदद से भी कर सकते हैं। एक सवाल भी है यहाँ पे, मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, दूसरा सवाल है मंदरजा ज़ैल बयानात की वजूहात के साथ वजाहत कीजिए। पहला, ज़िलाई इब्तदाई तालीम प्रोग्राम शुरू किया गया, इसका जवाब है सफ़ा नंबर 23 पे। आइए सफ़ा नंबर 23 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर है तीसरे का पहला, जूम करता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये देखिए यहाँ से 1994 में इब्तदाई तालीम की हमागिरी के लिए ज़िलाई इब्तदाई तालीम प्रोग्राम यानी DPEP शुरू किया गया। महाराष्ट्र के साथ दिगर 7 रियासतों में इस प्रोग्राम की इब्तदा की गई। महाराष्ट्र में भी हुआ और 7 और अलग रियासत में भी हुआ। इस प्रोग्राम में इब्तदाई स्कूलों में तलबा की 100% हाज़िरी यानी 100% अटेंडेंस, तलबा की जायगी की रोकथाम यानी जो तलबा ड्रॉप आउट करते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं, निकल जाते हैं बीच में छोड़ के, उसको रोकना, लड़कियों की तालीम, माजूरों की तालीम, हैंडीकैप लोगों के लिए इब्तदाई तालीम से मुतालिक तहकीक यानी प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड रिसर्च करना, और कद्र पैमाई मुतबादिल तालीम, समाजी बेदारी जैसी सरगर्मियाँ शामिल थी। ये इसके अंदर यहाँ तक आपको उसका जवाब लिखना है। चलिए तीसरे का दूसरा देखते हैं क्या है। आप ठीक से निशान लगाइए, किताब में ही सारे जवाब मौजूद हैं। NCERT का कयाम अमल में आया, सफ़ा नंबर 25। NCERT के बारे में लिखना है सफ़ा नंबर 25 पे, तीसरे का दूसरा। आइए सफ़ा नंबर 25 पे चलते हैं और तीसरे का दूसरा देखिए यहाँ पे NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग 1 सितंबर 1961 के रोज़ दिल्ली में NCERT का कयाम अमल में आया। स्कूली तालीम, हमजहत तालीमी पॉलिसी और तालीमी मंसूबों पर अमल आवरी से मुतालिक हुकूमत को मानत इस अदारे के अहम मकासद हैं। NCERT को तालीमी तहकीक, तरक्की, तरबियत, तौसी, तालीमी प्रोग्राम, स्कूली निसाब और दरसी किताबों की तैयारी की जिम्मेदारियां सौंपी गई। ये सारी जो जिम्मेदारी है यानी एजुकेशनल रिसर्च करना, उसको फ़रोग देना, फिर एजुकेशनल प्रोग्राम्स बनाना, स्कूल के सिलेबस बनाना, किताबों की तैयारी करना, ये सब काम जो है वो NCERT करती है। जनरली CBSE जो बोर्ड होता है उनकी जो किताबें होती है वो NCERT ही बनाती हैं, और स्टेट की जो होती है वो SCERT बनाती है, और स्टेट बोर्ड जो होते हैं उसके अंदर बाल भारती वगैरह जो है वो ये काम करते हैं। चलिए तो यहाँ से यहाँ तक आपको जवाब लिखना, मैंने एक्स्ट्रा मालूमात के लिए आपको चंद और नाम बता दिए।
देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, भारतीय ज़रई तहकीकी अदारे के जरिए किसानों को फ़ायदा पहुंचा, इसका जवाब है सफ़ा नंबर 29 पे तीसरे का दूसरा। देखिए यहाँ पर तीसरे का तीसरा, सॉरी ये देखिए यहाँ से लिखेंगे, भारत में ज़राती तहकीकात का आगाज़ 1905 में ही हो चुका था, यानी कि एजुकेशनल रिसर्च करने का जो काम था, एजुकेशनली सॉरी एग्रीकल्चरल, ज़रात से रिलेटेड है, तो एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है वो 1905 में ही शुरू हो गई थी, यानी ज़राती तहकीकात 1958 में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। ज़रई शुबे का फ़रोग यानी कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, साजो सामान से लेस तजुर्बा गाह यानी कि जो भी चीज़ें एग्रीकल्चर में लगती है उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके लिए लैब बनाना या फिर तजुर्बा गाह बनाना, मिट्टी की साइंस यानी सॉइल साइंस कहते हैं इंग्लिश में, ज़रई साइंस, एग्रीकल्चरल साइंस या एग्रो साइंस, माशी नबातात की साइंस वगैरह जैसे शुबों के ज़रिए यूनिवर्सिटी ने अपने कामों का आगाज़ किया। तो यहाँ तक आपको इसका जवाब लिखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है, नोट लिखिए, पहला है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नाऊ कहते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, सफ़ा नंबर 26 और 27 पे इसका जवाब है चौथे का पहला। आइए सफ़ा नंबर 26 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इग्नू या फिर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, मुल्क में हर खास और आम के घर तक इल्म के दरिया की रसाई के लिए इस यूनिवर्सिटी का कयाम अमल में आया, यानी हर किसी को पढ़ाई मिले, हर कोई पढ़ सके या हर किसी के घर तक नॉलेज या इल्म पहुँचे, इसलिए जो है वो यूनिवर्सिटी बनी। फिर यहाँ तक लिखने के बाद फिर आप यहाँ से लिखिए, 20 सितंबर 1985 को ओपन यूनिवर्सिटी ने एक शक्ल हासिल की। इस यूनिवर्सिटी को वज़ीरे आज़म इंदिरा गांधी से मंसूब किया गया, यानी उनके नाम से इनको जोड़ दिया गया। फिर यहाँ से लिखेंगे, जो लोग रस्मी तौर पर कॉलेज की तालीम हासिल नहीं कर पाए यानी कॉलेज नहीं जा पाए, उन्हें इस ओपन यूनिवर्सिटी में तालीमी अहलियत यानी कि एजुकेशनल एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया, उम्र और दिगर शराइत में मराद दी गई है यानी छूट दी गई है, कंसेशन दिए गए हैं। इस यूनिवर्सिटी ने 1990 में आकाशवाणी और दूरदर्शन के तौसत से समय व बसरी तरीके से फासलाती तालीम का प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। मतलब आकाशवाणी और दूरदर्शन पे जो है वो, आकाशवाणी जो रेडियो पे आता है, दूरदर्शन टीवी पे आता है, तो समय यानी सुनने वाला, बसरी मतलब देखने वाला, दोनों जो है वो समय बसरी मतलब सुनने और देखने वाला जो है उस दूर डिस्टेंस पे रह के भी लोग जो है वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। फासलाती तालीम मतलब डिस्टेंट एजुकेशन होता है, तो दूर रह के भी लोग यहाँ से इसकी मदद से पढ़ सकते हैं। ये भी सहूलत जो है वो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू के अंदर दी जाती है। चलिए चौथे का दूसरा देखते हैं सवाल क्या है। चौथे का दूसरा है कोठारी कमीशन, सफ़ा नंबर 24 पे इसका जवाब है चौथे का दूसरा। कोठारी कमीशन ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल में आता है बेटा, बच्चों तो इसको याद रखिए आप। सफ़ा नंबर 24 पे कोठारी कमीशन चौथे का दूसरा, देखिए यहाँ से ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ देता हूँ मैं एक बार। 1964 में डॉक्टर डी एस कोठारी की सदारत में एक कमीशन नामजद किया गया, इनकी सदारत में कमीशन बनी। इस कमीशन की कारकर्दगी में जेपी नायक का एक अहम किरदार था। इस कमीशन ने सानवी, आला सानवी और जमाती यानी यूनिवर्सिटी सतह पर तालीम 10+2+3 यानी 10+2+3 यानी 10वीं फिर 12वीं फिर यूनिवर्सिटी का जो ग्रेजुएशन होता है वो का खाका पेश किया। इस निज़ाम पर 1972 से अमल आवरी शुरू की गई, मतलब तब से लेके अब तक यही पैटर्न चल रहा है, 10वीं में बोर्ड होते हैं, 12वीं में बोर्ड होते हैं और फिर एक ग्रेजुएशन होता है जो TY फाइनल ईयर हम लोग कहते हैं, वो का खाका पेश किया। इस निज़ाम पर 1972 से अमल आवरी शुरू की गई है। कोठारी कमीशन ने तालीम का यकसा कौमी तरीका यानी पूरे देश में एक जैसी तालीम, मादरी जबान यानी मदर टंग, तालीम में हिंदी और अंग्रेज़ी जबानों की शमूलियत, हिंदी और इंग्लिश को एजुकेशन में कंपलसरी किया, मुसलसल तालीम कंटिन्यूस एजुकेशन, तालीम में बालगा, मरासलाती तालीम, फासलाती तालीम, आज़ाद यूनिवर्सिटी, आज़ाद ओपन यूनिवर्सिटी जैसी तजावीज़ पेश की। दर्ज फहरिस्त दातों और कबाइल जैसे महरूम तबकात को फोकियत देना, मतलब जो लोग एजुकेशन से दूर है, ट्राइबल पीपल है, उन सब तक भी एजुकेशन पहुँचे इसके लिए काम करना, सरकारी तखमीने में तालीमी अखराजात की मद में अजाफा करना जैसी सिफारिशात की। रियासत महाराष्ट्र ने 10+2+3 के तालीमी खाके को 1972 में इख्तियार किया और 1975 में 10वीं का पहला स्कूली इम्तहान मुनक्कद किया गया। यहाँ तक आपको इसका जवाब लिखना है।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बाल भारती, चौथे का तीसरा बाल भारती पे नोट लिखना है, सफा नंबर 26 पे इसका जवाब है। आइए सफा नंबर 26 पे जाते हैं। चौथे का तीसरा देखिए यहाँ पर, चौथे का चौथा सॉरी। महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मिति व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल यानी अदारा ए बाल भारती का कयाम 27 जनवरी 1967 को पूना में अमल में आया। अदारा बाल भारती स्कूली तुलबा के लिए पहली से बारहवीं जमात तक की दर्सी किताबें तैयार करने का काम करती है। अगर आपको पता होगा ये किताब जो हम पढ़ रहे हैं वो भी बाल भारती की ही किताब है, तो ये पहली से लेकर जो है वो बारहवीं तक जो है बच्चों के लिए क्या करते हैं ये लोग किताबें बनाते हैं। ये दर्सी किताबें मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कन्नड़, सिंधी, गुजराती और तेलुगु इन 8 जबानों में तैयार की जाती है। 8 लैंग्वेजेस में ये किताबें ये लोग तैयार करते हैं बाल भारती। ये अदारा तुलबा के लिए माहाना किशोर शाय करता है। माहनामा मतलब के जो महीने में एक बार आने वाली जर्नल होती है किशोर, ये भी ये लोग बनाते हैं खास बच्चों के लिए। इनकी वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल होती हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अगला सवाल है हमारा मंदरजा जैल सवालों के मुफसल जवाब दीजिए। सबसे पहला सवाल है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में शामिल सरगर्मियाँ, सफ़ा नंबर 23 पे इसका जवाब है। आइए सफ़ा नंबर 23 पे चलते हैं और पाँचवें का पहला इसका जवाब क्या है वो देखते हैं। देखिए यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने टिक मार्क किया है, ये देखिए 1988 में मरकजी हुकूमत ने इब्तदाई तालीम की तौसी और तालीमी मयार में इसलाह के लिए तख्ते खरिया मंसूबा शुरू किया जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के नाम से जानी जाती है। 1988 में ये शुरू किया था, प्राइमरी एजुकेशन सबको मिले और एजुकेशन बढ़े आगे इसके लिए। स्कूलों के मयार में बेहतरी, अक्ल तरीन तालीमी ज़रूरियात की तकमील, कम अज़ कम 2 मुनासिब कमरे, बैतुलखला, 2 असातिज़ा में से 1 खातून मौलिम, तख्ते सिया नक्शा, तजुर्बे गाह के लवाजमात, छोटा कुतुबखाना, मैदान और खेलों के सामान के लिए हुकूमत ने स्कूलों को इमदाद फराहम की। यानी स्कूल में कम से कम ये सारी चीज़ें हो, इस चीज़ का इस प्लान के अंदर ध्यान दिया गया और इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने मदद भी की स्कूलों की। इस मंसूबे के तहत इब्तदाई तालीमी निज़ाम को तेज़ रफ्तार होने में मदद मिली, यानी बेसिक एजुकेशन थोड़ा सा फास्ट हुआ इसकी वजह से। और फिर यहाँ से लिखेंगे 1994 में इस स्कूल में तो इस स्कीम सॉरी 1994 में इस स्कीम में तौसी करके 100 से ज़्यादा तुलबा वाले स्कूलों को एक अजाफी कमरा, यानी जहाँ पे 100 से ज़्यादा बच्चे होंगे वहाँ और एक कमरा ऐड करेंगे, पहले जो था उसमें प्लस वन करेंगे जमात, और एक अजाफी मौलिम के तकर्रुर की शक बनाई गई। लड़कियों के स्कूलों, दर्ज फहरिस्त ज़ातों और कबाइल की अक्सरियत वाले स्कूलों और देही इलाकों को तरजीह दी गई, यानी गांव वगैरह के अंदर या रूरल एरियाज़ में एजुकेशन मिले इसलिए वहाँ पे भी स्कूलें शुरू की गई इस प्लान के अंडर में। असातिज़ा की तकर्री में 50% असामियों में मौलिमात के तकर्र की शर्त हुकूमत के सामने रखी गई। 1994 में इब्तदाई तालीम की हमागिरी के लिए ज़िलाई इब्तदाई तालीम प्रोग्राम यानी DPEP शुरू किया गया। यहाँ तक आपको इसका जवाब लिखना है। चलिए पाँचवें का दूसरा क्या है वो भी देख लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक से निशान लगा रहे होंगे। देखिए दूसरा सवाल है ज़रात के फरोग में ज़रई स्कूलों और कॉलेजों का किरदार वाजे कीजिए, यानी ज़रात के पढ़ने में ज़रई स्कूल यानी एग्रो स्कूल और एग्रो कॉलेज का क्या किरदार है वो वाजे करना है, तो उसका जवाब हम यहीं पे देख लेते हैं। देखिए वो ज़रई साइंस, मिट्टी साइंस वगैरह के शुबों में तहकीक की हौसला अफजाई और मानौत में अहम किरदार अदा करते हैं। ये किसानों को, वो मतलब यहाँ पे ज़रई स्कूल और कॉलेज आप लिख सकते हैं कि ज़रई स्कूल और ज़रई कॉलेज, ज़रई साइंस, मिट्टी साइंस वगैरह के शुबों में तहकीक की हौसला अफजाई और मानत में अहम किरदार अदा करते हैं। ये किसानों को मुख्तलिफ तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ फसलें पैदा करने में भी मदद करता है। यहाँ तक आपको इसका जवाब जो है वो लिखना है। चलिए आइए अगला सवाल क्या है वो देखते हैं। अगला सवाल है मुल्क में तिब्बी शुबे के फरोग को मुख्तलिफ मिसालों के साथ वाजे कीजिए, और उसके बाद चौथा जो है अपने स्कूल में मुनक्कद की जाने वाली दर्सी और अहम हमदर्सी सरगर्मियों की मालूमात लिखिए। हर स्कूल में अलग होता है तो ये आप उनसे करेंगे। इसका मैं जवाब आपको बताता हूँ, ये आखिरी जवाब होगा इस सबक का। सफ़ा नंबर 29 पे पाँचवें का तीसरा, देखिए यहाँ से हम लोगों को इसका जवाब लिखना है। जो मैंने ब्रैकेट बनाया हुआ है बस उतने उतने पॉइंट लिखेंगे तो भी चलेगा।
सबसे पहले आज़ादी के बाद शुबे तिब में तहकीकात के लिए 1949 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का कयाम अमल में आया। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस अदारे की तहकीकात की वजह से टीबी और कोड पर काबू पाना मुमकिन हुआ। टीबी ट्यूबरक्लोसिस, कोड लेप्रेसी, इसके ऊपर काबू पाया गया। मैं इंग्लिश में भी आपको वर्ड्स बताता हूँ ताकि आगे चल के इंशाल्लाह जब आप कॉलेज में जाएंगे तो ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। आपकी इंग्लिश थोड़ी बेसिक तो अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद इस शुबे में तरक्की याफ्ता तिब्बी तालीम और तहकीक को रिवाज देने के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स कहते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नामी अदारा कायम किया गया। बहुत मशहूर अदारा है, आपने भी नाम सुना ही होगा। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो आप यहाँ से लिखें, हुकूमत ने तिब्बी शोबे की तरक्की के लिए यानी मेडिकल फील्ड की तरक्की के लिए 1958 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की दोबारा तश्कील की। इस अदारे को तिब्बी तालीम के मैार के तायुन और इसकी निगरानी और जांच की जिम्मेदारियां भी दी गई। फिर अगला पॉइंट आप यहां से लिखेंगे, एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर टाटा मेमोरियल सेंटर की एक शाख है। कैंसर यानी सरतान के इलाज, तहकीक और सरतान से मुतालिक तालीम के लिए इस अदारे को कौमी सतह पर मरकजी हैसियत भी हासिल है या हासिल हुई, ये हम लोग इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल हम सब जानते हैं, बहुत मशहूर मुंबई का हॉस्पिटल है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। तो बच्चों, इसी के साथ इस सबक के तमाम सवाल और जवाब की निशानदेही मुकम्मल हुई और मैंने जवाब भी समझा दिए। कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों, हमारे चैनल पे मेंबरशिप का भी ऑप्शन है। अगर आप हमारे चैनल के मेंबर बनते हैं तो आपका जो भी अकाउंट होगा या चैनल होगा वो हमें हमारे चैनल के होम पेज के ऊपर वो फीचर करेंगे, वो नज़र आएगा। दूसरी बात ये है कि वीडियोस थोड़े से देर से आ रहे हैं क्योंकि मैं स्कूल के कामों में थोड़ा मशरूफ़ रहता हूँ, ज़्यादा मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिज़ी है, तो इस वजह से मसरूफियत की वजह से मैं वीडियोज़ ज़्यादा डाल नहीं पाता। मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करूँ। बस आप इसी तरह मेरा साथ देते रहिए, मेरे चैनल को फ़रोग दीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और अपना बहुत ध्यान रखिए। शुक्रिया।